दोस्तों हम लोग अगले वीडियो लिंक में देखने जा रहे हैं आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव और एक ये आपका एक सिस्टम जिसमें कई आवेश Q1, Q2, Q3 और Qn और इनके कारण क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र। आप एक परीक्षण आवेश कहाँ से, अनंत से ला करके क्या कर दिए, स्थापित कर दिए, तो जो परिणामी विद्युत विभव आएगा वो भी वो आवेश Q1 के कारण विभव, आवेश Q1 के कारण विभव प्लस आवेश Q2 के कारण विभव प्लस प्लस आवेश जो है Qn के कारण विभव के योग के बराबर। तो Q1 के कारण विभव आपका क्या हो जाएगा, V1, Q2 के कारण विभव हो जाएगा कितना, V2, और Qn के कारण विभव कितना हो जाएगा, Vn। तो V=1/4πε0Q1/ क्या हो जाएगा, R1। इसकी स्थिति सदिश क्या कर देंगे, मूल बिंदु से हम ये स्थिति सदिश ले लेते हैं। अब ये आपका इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी, तो Q1/R1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये आपकी R3 हो गया और ये क्या हो गया, Rn हो गया। तो ये आपका Q1/R1 +1/4πε0Q2/R2 +1/4πε0Qn/Rn हो जाएगा। तो V=1/4πε0 आप कॉमन निकाल दो, यह हो गया Q1/R1 +Q2/R2 +Qn/Rn। ये आवेशों के निकाय के कारण परिणामी क्या आएगा, विभव आएगा। अब हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, तो द्विध्रुव के कारण विभव हम क्या करते हैं, तीन स्थितियों में ज्ञात करते हैं। नंबर एक, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विभव। तो इसके लिए क्या कर लेंगे, हम एक विद्युत द्विध्रुव -Q और +Q, इसका सेंट्रल पॉइंट, यहाँ से इसकी लंबाई L, यहाँ से इसकी लंबाई L और इसके केंद्र से R दूरी पे एक बिंदु P, क्या अक्षीय रेखा में ये बिंदु P, बिंदु P पे हमें क्या करनी है, ये क्या करनी है, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अक्षीय रेखा में विद्युत विभव जो आता है V=1/4πε0 और ये आता है P/R² volt, जहाँ पे P क्या है, द्विध्रुव आगोल है, ED M है,
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। अब क्या करेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी रेखा में स्थित किसी बिंदु पे विभव निकालेंगे। विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा में स्थित किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा द्विध्रुव, मध्य बिंदु इसका O, यहाँ से लंबाई L, यहाँ से लंबाई L, और इसके निरक्षीय रेखा में 90 अंश का कोण बनाते हुए R दूरी पे क्या है, एक बिंदु P, ठीक है, इनसे R दूरी पर एक बिंदु P, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो विभव आएगा बिंदु P पर, विभव वो आ जाता है कितना, शून्य आ जाता है, क्योंकि ये माइनस देगा और ये प्लस देगा। अब क्या करेंगे, किसी भी बिंदु पे द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पे विभव ज्ञात करना जो आर थीटा पे हो, तो उसके लिए हमारा फार्मूला आता है भी इक्वल 1/4πε₀ पी कॉस थीटा अपान क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो दोस्तों अभी हम लोग ये विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव की चर्चा कर रहे थे, अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में और किसी भी बिंदु पे। तो अक्षीय स्थिति के लिए हमारा फार्मूला आया भी इक्वल टू 1/4πε₀ P/r² वोल्ट में, निरक्षीय स्थिति के लिए क्या आया, 0 आया, और किसी भी बिंदु पे वी इक्वल टू 1/4πε₀ P cos θ अपान क्या है, आर स्क्वायर। तो दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो लिंक आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे अगले वीडियो लिंक की प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो लिंक में हम विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।